और आपके लिए खुशखबरी है, आप देखो अभी जो चीज आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, ये मेरा ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे मेरे अलग अलग तरह के कोर्सेस है, जैसे ड्राइंग एनालिसिस, सिग्नेचर के ऊपर का ये छोटा सा कोर्स है, लोगो एनालिसिस के ऊपर कोर्स है, रिस्ट वॉच एनालिसिस के ऊपर भी एक कोर्स है, और ये हैंडराइटिंग एनालिसिस गेस्टाल्ट मेथड का कोर्स है। कुछ कोर्सेज फ्री में भी है जो आपको दिख रहा है अभी ऐसे। और अगर आपको इसको एक्सेस करना है तो वेबसाइट है thelogoguru.teachable.com। तो आप जाओ कोर्स करो। और आज जो हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं वो है सिग्नेचर ऑफ तेंदुलकर, वन ऑफ माई फेवरेट पर्सनैलिटी। सो चलो तेंदुलकर का सिग्नेचर आज हम लोग समझ के लेते हैं। तो आपको देखो तेंदुलकर का सिग्नेचर कैसे दिखता है। तो फर्स्ट ये जो है SR तेंदुलकर, तो हम ऐसे अभी एज्यूम करके चलते हैं कि ये एस है, ये तेंदुलकर का टी है ना, क्योंकि आर है नहीं है, वी आर नॉट वेरी श्योर, तो है ना, वो पूछे बगैर तो पता नहीं चलेगा। पर बाकी सब चीज़ों के बारे में हम लोग यू नो एनालिसिस कर लेते हैं। तो मोस्टली इस फॉर्मेशन में क्या हो रहा है, ये जो टी का जो क्रॉस बार है, ये टी का क्रॉस बार जो है वो इस टी से काफ़ी ज़्यादा हाइट पे, तो जब ऐसे हो जाता है तो इन दोनों के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है वो ख़त्म हो जाता है। तो कोऑर्डिनेशन ख़त्म हो जाता है तो कई सारी जो चीज़ें तेंदुलकर खुद से एक्सपेक्ट करेंगे वो उनको नहीं प्राप्त होंगी, तो उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाएंगी खुद से और बाकी लोगों से भी। तो यही फ्रस्ट्रेशन था उनको जब उनका कैप्टेंसी चल रहा था। तो कैप्टेंसी के दौरान क्या हो रहा था कि उनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी उनके टीम मेंबर्स से, उनके बाकी लोगों से, बिकॉज उनके खुद के बारे में खुद से एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन उन्होंने अपने बाकी लोगों से भी रखी। तो जब उन्होंने वो डिलीवर नहीं की तब उनको बड़ा मुश्किल हो गया उन कैप्टेंसी को कंटिन्यू करना। दूसरी जो पेक्यूलियर बात है इनके सिग्नेचर के बारे में, ये है डी। तो आपने अगर मेरा ये दूसरा वीडियो देखा रहेगा जहाँ पे मैंने डी के बारे में सिखाया, तो मैंने बोला है कि इस तरह का जो डी रहता है वो डी में कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज जो है वो इंसान को होते रहते हैं, हेल्थ उतना अच्छा नहीं रहता। तो आप अगर उनका पूरा करियर देखो तो पूरे करियर में उनको कहीं ना कहीं हर एक जगह पे जब भी उन्होंने परफॉर्म किया उस समय पे उनका कोई ना कोई इंजुरी चल ही रहा था, मतलब ऑल द बिगिनिंग्स ही हैड कुछ ना कुछ इंजुरीज, कुछ ना कुछ निगल, तो उनका नॉन स्टॉप कुछ ना कुछ इश्यूज वो चलता ही रहेगा। उसके बाद कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छा आप देखोगे तो उनका एक बार उनका अगर स्टार्ट अच्छा हो गया तो उसके बाद उनका कोई भी चीज़ वो अच्छे से कर पाएंगे, इनिंग को भी बहुत बड़ा कर पाएंगे। और अभी ये टी अगर देखो आप तो टी जो है बहुत बड़ा टी है, ये इतना बड़ा टी है तेंदुलकर का, तो तेंदुलकर सरनेम को यू नो जगाने के लिए, तेंदुलकर सरनेम में वैल्यू ऐड करने के लिए या उनकी पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए उनकी बहुत ज़्यादा एफर्ट जाएगा। तो ही विल ऑलवेज मेक श्योर दैट फैमिली कम्स फर्स्ट, यू नो फैमिली के बारे में, फैमिली को इम्पोर्टेंस, इमोशंस को इम्पोर्टेंस, वो उनके माइंड में ज़्यादा चलने वाला है। तो दोस्तों आई होप यू मस्ट हैव लाइक द वे आई हैव एक्सप्लेन द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, बुरा लगा तो भी कमेंट कीजिए, बताइए क्या गलती हो रही, क्या अच्छा कर सकते हो, क्या और बेहतर हम आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हो, वो सब चीज़ आप हमको बताएं। मीनवाइल थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, दिस इज द फर्स्ट वीडियो, ये पहला वीडियो जहाँ पर मैंने हिंदी में सिग्नेचर को एक्सप्लेन किया। आई होप यू मस्ट हैव लाइक इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।